S. S. Kangarot, Professor of Agronomy. And I will teach you practical crop production. First, kharif crops. What is kharif season? Kharif crops are those which are sown after onset of monsoon, that is in the month of June, July, and harvested in the month of September, October, are known as kharif season crop. Kharif crops may cereals or millets, may rice, forage sativa, आपके पर्ल मिलेट, बाजरा, पेनिसेटम ग्लूकम, मेज, जिया मेज, जवार, सोर्गम, बाइकोलर, ये चार तो आपकी सीरियल्स एंड मिलेट्स में, और पल्सेज में काउपी, मूंग, मोट, ग्रीन ग्रम और मूंग एंड क्लस्टर बीन, साइनोसो टेट्रागोनोलोमा, और आपके ऑयल सीड के अंदर सेसेमम तिल, सेसेमम इंडिकम, ग्राउंडनट, अरेचिस हाइपोजिया, ये इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है. और इसमें आपके दीज आर द इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स. इसमें सब आपको पांच पांच गर्ल्स के बीच में एक एक क्रॉप अलॉट होगी, और आपको सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सारे ऑपरेशंस करने हैं. इसमें आपको उसकी क्रिटिकल स्टेजेस, मॉइस्चर के लिए कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज है, सनलाइट के लिए कौन सी क्रिटिकल टाइम क्रिटिकल स्टेज होती है, वेट कंट्रोल के लिए कौन सा क्रिटिकल स्टेज है. इन जनरल 25 से 30 डेज आफ्टर सोइंग इज मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर कंट्रोल ऑफ वीड. इस समय अगर वीड नहीं करोगे कंट्रोल, तो फ्लावरिंग स्टेज के बाद आने के बाद में वीड कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट होगा. और जैसे मॉइस्चर की है, तो मॉइस्चर के लिए भी अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग क्रिटिकल स्टेज है. अगर उस समय बरसात हो रही है, रेन हो गई, जब तो ठीक है, और अगर आपके पास सोर्स ऑफ इरीगेशन है, देन यू इरीगेट दी क्रॉप ऑन दैट क्रिटिकल स्टेज. सो फॉर हार्वेस्टिंग द गुड इन क्रॉप को सोइंग भी आपको प्रॉपर सोइंग डेप्थ से करना है. अगर ज़्यादा डीप कर दोगे तो सीड विल नॉट इमर्ज, और अनइवन प्लांट पॉपुलेशन होगी, और अल्टीमेटली यील्ड आपकी कम होगी. तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन का एम यही है कि आप खरीफ में क्रॉप कैपिटल जाए, क्रॉप म्यूजियम में स्टैंडिंग क्रॉप को भी आइडेंटिफाई करनी है, और क्रॉप सीड्स को भी आइडेंटिफाई करना है. तो ये आपको सबको फ्रेड प्रैक्टिकल.